फिल्म दिया में रोल करने के उपरांत कई मित्रों की इच्छा हुई है कि ऐसे तमाम ज्वलंत बिंदुओं पर लघु फिल्में बनाई जाएं, जिससे समाज को संदेश जाए और सुधारवादी दृष्टिकोण हो उन फिल्मों के निर्माण का। दोस्तों, अभी एक प्रस्ताव आया है, हमारे एक वरिष्ठ मित्र ने प्रस्ताव दिया है कि कन्या भ्रूण हत्याओं की वजह से आज तमाम जिले और प्रदेश ऐसे हैं जहां लड़कों की शादियां नहीं हो रही हैं। अपराध, यौन अपराध इसलिए बढ़ रहे हैं कि शादियां नहीं हो रही हैं, नीड है, उसकी भी नीड है, सेक्सुअल शारीरिक संबंधों की, वो उसकी पूर्ति नहीं हो रहा है तो इस तरह के अपराध हो रहे हैं। सबके मूल में यह है कि लड़कियों को जन्म देने से पहले जो मारा जा रहा है या रुके, कड़े कड़े कानून हैं लेकिन उसके बाद भी सजाएं बहुत कम हुई हैं। एक मामला हरियाणा का आया था जिसमें कन्या भ्रूण हत्या पर सजा हुई थी। हमारे बीच आज दो हमारे मेहमान हैं, दोनों लोगों का हम परिचय करा रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में इनको महारत हासिल है। हमारे मेहमान हैं ओम वीर सिंह जी, आप गाजियाबाद से हैं और NTPC में आप ऑफिसर रैंक पर हैं, मिलने आ गए थे, हम नहीं जा पाए थे, लेकिन आपका सादर आभार कि आपने मिलने का हमें अवसर दिया और स्वयं आप हमारे तक आए, गांव पर भी गए थे यद्यपि हम लोग वाराणसी में मिल रहे हैं। दूसरे हमारे हैं आदित्य जी, यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वेद के छात्र हैं, इसके पहले भी आए हैं। ओम वीर सिंह साहब ने कहा कि सबसे ज्वलंत मामला है दुबे साहब की, कन्या भ्रूण हत्याएं रुकनी चाहिए, हम इसी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर कुछ परिचय छूट गया हो तो आप बताते हुए सीधे कन्या भ्रूण हत्याओं पर आ जाएं। तो मैं पूरा ही बोलूं, हम बोले भजन ही बोल दूं, बोले भजन बोलने बोले बोले, अरे भजन बोले सर, हम पकड़े जाते हैं, आप बोले। कलयुग की कला बुरा लगे भला, मानुष को छला इसने, है अपने राज में, है अपने राज में, कैसा जाल बिछाया, नर लुभा फसाया, पापी धोखेबाज ने, कलयुग की कला बुरा लगे भला, मानुष को छला इसने, है अपने राज में, है अपने राज में। वाह वाह वाह, यह चंद लाइनें भीतर तक हम सभी को झकझोर दे रही हैं। हमारी ड्यूटी क्या थी, कसूर क्या है कि हमने परीक्षण कराया कि गर्भ में पल रहा बेटा है अथवा बेटी, जैसे ही यह पता लगा कि बिटिया है, हमने जन्म देने से पहले काट काट करके उसे धरती पर जन्म लेने नहीं दिया। आदित्य जी हमारे बीच हैं, हम फिर ओम वीर सिंह साहब के तरफ आएंगे। उसके पहले शास्त्रों में क्या है कि इस प्रकार की हत्याएं पहले होती रही हैं क्या, और आप लोग क्या कर रहे हैं, जैसे जो संहिता राजनेताओं की है इसे रोकने की, उससे बड़ी संहिता धर्म नेताओं की है, तो आप एक तरह से धर्म नेता हैं, क्या कर रहे हैं आप इसके लिए? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक देखी जाए शास्त्रों की बात, तो शास्त्रों में ऐसा कहीं वर्णित नहीं है कि पहले पूर्व में ऐसा कहीं हुआ है। वस्तुतः एक जगह देखा जाता है श्रीमद् भागवत महापुराण में, जो कंस ने किया था। कंस कौन था बोलिए? कंस राक्षस था, राक्षस कोटि का ही एक राजा था। तो कंस ने किया था भगवती के साथ, पराम्बा माँ विंध्याचल निवासिनी के साथ, तो वह तो अष्टभुजा स्वरूप में अपने प्रदर्शित हुई और उसने उन्होंने कहा कि जो तुम कर रहे हो यह तुम कर नहीं पाओगे, और वह तो तुमको मारने वाला कहीं और आ चुका है। तो भगवती की ही स्वरूपणी हमारी कुमारी कन्या, अर्थात कौमारी जिसे कहा जाता है, कौमारी शंभवाहा स्त्री कैटभारी हृदय कृताधिवासा ईषत सहास ममलम परिपूर्ण चंद्र, वह भगवती ही है, चाहे वह शक्ति हो चाहे यह शक्ति हो। वस्तुतः शक्ति में दो प्रकार है, एक पूर्ण शक्ति है और एक आद्य शक्ति है। यह कुमारी शक्तियाँ ही हैं, लेकिन भारत का दुर्भाग्य मानी, या मैं तो कहता हूँ आप मेडिकल की ये साइंस की आप दुर्भाग्य मानिए, इसके पहले कहीं ऐसा वर्णित नहीं है। हाँ, आते आते बीच में मध्य में देखा गया है कि वैद्य उपकरणों के द्वारा गर्भपात होता रहा है, लेकिन
वैदिक काल में ऐसा नहीं, वैदिक काल में एक किया था बस, वही कंस, वो राक्षस था, और आज जो कर रहा है उसी की उपमा मैं देता हूँ कि वह अभी राक्षस है, कंस के ही तरह है वो। वस्तुतः कंस में तो थोड़ी मानवता थी, इनमें तो मानवता नहीं है। कंस के तरह ही है, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं और दुकानें हैं इनकी, इनकी दुकानें हैं जो लोग ऐसा कर रहे हैं। तो दोस्तों अगली जो मूवी होगी अभी हम फिर बात करेंगे, और आप बने रहिए हमारे साथ। जो अगली लघु फिल्म होगी उससे उसमें हम कन्या भ्रूण हत्या को शामिल करेंगे, प्रमाण के तौर पर शामिल करेंगे। ऐसे तमाम जो हमारे युवा वर्ग के लोग हैं जो इसे बनाते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, अच्छा लिख सकते हैं, उनसे भी मैं चाहूँगा कि उन्हें आगे आना चाहिए, और कुछ जो पात्र हैं बढ़िया प्रदर्शन कर सकें उनका भी मैं आह्वान करता हूँ। ओमवीर सिंह साहब, सबसे बड़ी समस्या यह है जिस पर हम सभी को करना है, सरकारें कानून का डंडा चला करके इसे नहीं रोका जा सकता, तो हम लोग इस पर काम करेंगे, ये हमारी ड्यूटी भी है, फंडामेंटल ड्यूटी है। सिंह साहब और क्या देख रहे हैं आप, किस बुराई पर हम सभी को लड़ना चाहिए, कोई ऐसी बुराई जिस पर सरकारें फेल हो रही हों, लाख नियम कानून बनाने के बाद भी कोई असर नहीं हो रहा हो, तो ऐसी कौन सी बुराई है जिस पर हमारी ड्यूटी हो और जो समाज के सचेत नागरिक हैं उस पर आगे आए? ड्यूटी तो बहुत सारी हैं जी, जैसे कि एक गांव है होता है जी, और उसमें कोई भी मतलब गांव जो है सभी लोगों के उससे एक गांव बना है जी, और हर गार्जियन की ये ड्यूटी बनती है मुझे संस्कार देने चाहिए बच्चे को जी, ठीक है जी। अब संस्कार कैसे दिए जाएं, अगर उसकी ये अपेक्षा के संस्कार देने चाहिए, अब संस्कार देने वाले कौन हैं, मैं हूँ या हमारे कोई नज़दीकी हैं या गुरु हैं या कोई भी हैं, ये माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है। माँ बाप को जो है रामायण का गीता का अध्ययन करना चाहिए, जब भी उनका ये भाव बनेगा सत्वगुण बनने के बाद में तभी ये भाव बनेगा कि गुरु तलाश करूं, मेरे बच्चे को ऐसी तालीम मिले, मेरे बच्चे को ऐसी शिक्षा मिले जिससे कि ये गांव का भी नाम रोशन करे, मेरा भी नाम रोशन करे। और जो ड्यूटी है राष्ट्र के प्रति, दोस्तों एक चीज़ छूट रहा था, बच्चों की शादी अब यह भी एक है संस्कार, अभी षोडश संस्कारों की बात चल रही है, तो हमारे यहाँ भी बेटियाँ बड़ी हैं, पढ़ाई उनकी लगभग पूर्ण हो चुकी है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जाप भी कर रहे हैं लोग, तो हम सात फेरा की जगह हम नौ फेरा लगवाएंगे, पहले भी हमने करवाया है कई लोगों की शादी में, यद्यपि एक अलग था, लोगों ने कहा यह कौन सा नियम, आठवां फेरा की कन्या भ्रूण हत्या हम नहीं करेंगे, करने नहीं देंगे, और नवा पर्यावरण संरक्षण का उसी में जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है उसको भी हम शामिल करेंगे, प्राकृतिक पर्यावरण, नदियों को बचाना, महापुरुषों के प्रति सम्मान, देश के प्रति हमारी निष्ठा, तो यह भी हम लोग शादी में हम लोग यह फेरे लगवाएंगे, क्योंकि दूसरे को कहने से अच्छा है कि हम जब स्वतः नहीं करेंगे तो दूसरे को नहीं कह सकते, स्वयं करना पड़ेगा। षोडश संस्कारों में एक वैवाहिक संस्कार भी है और भी कई संस्कार हैं, एक दो संस्कारों पर आप उल्लेख करें, एक दो संस्कारों का, प्रमुख प्रमुख संस्कारों पर उल्लेख कर रहा हूँ। जैसे सबसे पहला है गर्भधान, अच्छा संस्कार जी, यह प्रथम संस्कार है अच्छा। गर्भधान, इस संस्कार में माता पिता के ही अंश से बालक उत्पन्न होता है, आप जानते ही हैं, फिर उसके बाद आता है नामकरण, सुमंतोनयन, यज्ञोपवीत इत्यादि इत्यादि, ऐसे करके अन्नप्राशन इत्यादि, ये सब से विप्राय मतलब उसको अन्न खिलाना है। लेकिन अब हम आते हैं अपने वस्तुतः मूल विषय पर, जो वैवाहिक कार्यक्रम है अर्थात विवाह संस्कार है। अच्छा हम एक चीज थोड़ा सा प्रश्न प्रश्न करें जी जी, वैवाहिक संस्कार के बाद अंतिम संस्कार वही अंत्येष्टि, अंत्येष्टि अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, देखिए छोटे छोटे संस्कार गर्भधारण से लेकर के ये 16 संस्कार हैं, लेकिन विवाह के बाद सीधे वाराणसी से यदि ट्रेन चली है तो सीधे दिल्ली जा करके राजधानी रुकेगी और कहीं कोई स्टॉपेज नहीं है साहब। तो वैवाहिक संस्कार के बाद अंतिम पड़ाव वही है कि जो हमारी माताजी का हुआ और सभी का हुआ हम लोग, लेकिन आपने तो जो है माताजी का शरीर विद्यार्थियों को समर्पित कर दिया, अनेक लोगों ने कहा कि यह क्या कर रहे हैं आप, उनको शमशान घाट पर जाना चाहिए, जलाना चाहिए, जल प्रवाह करना चाहिए, आप तो ले जाकर के पहुंचा दिए हमारे गुरु जी ने, मुक्ति कैसे, हाँ वही, तो इस मामले में आप बताएं धर्म क्या कहता है। हमारे गुरु जी ने एक इस पे बहुत सुंदर बात कही, गुरु जी ने कहा
कि ये आत्मसमर्पण का भाव है। मूल तत्व जो प्राण है वो तो निकल गया, और विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि में यह ऐसा लिखा हुआ है कि जो गौतम बुद्ध थे, जैसे दिया एक जल रहा है, मानो एक दिया जल रहा है और दिया का वो जो लौ है वो बुझ जाता है, उसी प्रकार यह शरीर है, इस शरीर में से जो प्राण तत्व वही दिया बुझ जाता है और ये शरीर किसी काम का नहीं। लेकिन कल के हाँ, दिए लिए गए हैं वो सारा मोमबत्ती वगैरह ले आओ, लेकिन जो कार्य है वो तो हो रहा है ना, इस शरीर के मरने के बाद भी एक कार्य होता है, परमार्थ के लिए तो आ जाए वो समाज के लिए तो समर्पित हो जाए। वस्तुतः मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं भी अपने परिवार में जितने भी लोग हैं उनका ऐसे ही विश्वविद्यालय को ही दूंगा। पूज्य महामना तो मदन मोहन मालवीय जी ने इसमें महर्षि दधीच की परंपरा हाँ साथ इसको कैसे जोड़ के देख रहे हैं? जोड़ना इसमें क्या है, इसमें कुछ जोड़ना ही नहीं है। सार्वभौम के लिए जो अपने शरीर को त्याग दान कर दे, उससे बड़ा और कोई परमार्थी हो सकता है क्या? परमार्थ के परिप्रेक्ष्य में एक छोटी सी भजन हम लोग दो चार लाइन की सुनेंगे। सिंह साहब की बहुत अच्छा आप गाते हैं और बहुत खूबसूरत हर्ट है आपके पास, उसके पहले मैं दिखा रहा हूं आपको, और इस माध्यम से आपसे अपील भी करेंगे हम कि कल हमने एक वीडियो किया था, एक महिला है और वह हमें गिफ्ट में यह सब चीज़ें दे रही थी कि नहीं आपने किया है सर, तो हमने कहा देखिए ऐसा तो हम नहीं करेंगे, यह हमने 120 रुपए का लिया है, मात्र 120 रुपए का एक अच्छा दीपक आप लेना चाहेंगे तो इस तरह से भी यह मिट्टी का ही दीपक है, पॉलीथीन को हम कहीं इसका प्रयोग कर लेंगे कुछ रखने के लिए, और यह मोमबत्ती का है, इसमें धागे लगे हुए हैं और दीपक है, इसे भी आप देख रहे हैं यह भी मोमबत्ती का है, यह मात्र 10 रुपये, पाँच रुपये का होगा और यह 10 रुपये का है, यह अभी दीपक है देख रहे हैं, पूरी तौर पर मिट्टी का ही है, एक कलर कर दिया गया है, तो इससे लोगों की रोजी रोटी चलेगी। यह अभी दिया है पीछे से आप देख रहे हैं इसका, तो दीपावली आ गई है, तो हम सभी लोग दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को दे रहे हैं और अनुरोध करेंगे, यद्यपि हमारे जो दुखी भैया हैं कुम्हार, उनके घर से दिया आता है, पहुँचाते हैं लोग, दिया पहुँचाएँगे, कलश पहुँचाएँगे, एक घंटी खरीदूँगा सर, घंटी होती थी टन 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 ऐसे, कुछ स्मरण है क्या आपको? मिट्टी की घंटी ऐसे बजती थी कुछ, और जाता रहता था, पीतल की, जाता पीतल के रूप की घंटी होती थी, नहीं इसकी घंटी होती थी, मिट्टी की घंटी और ऐसे बजाते थे हम, बजाए हैं वो देखी नहीं हमने, अच्छा जाता भी होता, घंटी भी बजाया हूँ और जाता में जो मिट्टी डाल करके उसको किया, जय हो घंटी भी बजाए हैं और अब घंटा भी बजा रहे हैं, नहीं घंटा नहीं बजा रहे, घंटा अरे घंटा से विप्राय मंदिर का घंटा बजा रहा हूं, अच्छा शास्त्र का अध्ययन करके और जन जागृति को, लोग कहते हैं पंडित सोई जो गाल बजावा कुछ ऐसे, इसका क्या अभिप्राय है? पंडित को वाचाल होना चाहिए, अच्छा। और वाचाल के साथ साथ वाचाल को थोड़ा सा परिभाषित करें, मात्र वाचाल ही नहीं होना चाहिए, जैसे उसमें कहा गया है कि वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, क्या है? मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपातम हम मंदे परमानंद माधवम। गूंगा भी बोलने लगता है, लंगड़ा भी गिरवर पहाड़ पे चढ़ जाता है, कौन जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो। और ऐसे ही गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा है, मुँह कहोई बाचाल पंगु चढ़ई गिरवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रमउ करिमर मदन। तो वस्तुतः दोनों में अंतर वही है कि वह राघव के भक्त हैं और या माधव के भक्त हैं। आप भी गुनगुनाते हैं कुछ, जाते हैं कभी? अच्छा सप्तपदी एक होता है, हाँ सप्तपदी सात फेरे लगाए जाते हैं, तो यह देखिए इस दिए को मैं थोड़ा दिखा दीजिए, देता हूँ दिखा दीजिए, यह 30-30 रुपए का या 35 रुपए का है, अगर चार दिए लेकर के सर कंगूरे पर लगा दिया जाए, इसमें तेल भर के बाती लगा करके, कितना खूबसूरत होगा। लेकिन हम लोगों ने अपने पर्यावरण का नाश किया है और लगातार वही चाइनीज झालर और ऐसे, इनका क्या होगा जो इस रोजगार में लगे हैं? तो एक छोटा सा दीजिए भाई, अब आप जो कह देंगे आप वो तो करना ही पड़ेगा। सप्तपदी नहीं, इसी मिट्टी पे ही बोल रहा हूँ, वापी कूप तड़ागानी कैसे, इसी मिट्टी पर ही बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मिट्टी देखने में इतना सुंदर है, और इस मिट्टियों से हमारा ही नहीं वस्तुतः सभी सार्वभौम की बचपने और यादें, और बचपने यादें तो अलग विषय है,
अंततः ये जो है क्या ऐसा इसमें सुराख है। हाँ मोम लगाना पड़ेगा पहले, मोम लगाना। हाँ लेकिन इधर से बंद है सर। बंद है जी। वस्तुतः मरने तक दोनों का संक्षेपीकरण और दोनों का निर्धारीकरण मिट्टी से ही है। और एक गाते ही हैं, चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो यह बच्चा बच्चा राम तो है ही है, लेकिन इस मिट्टी को हम क्यों भूल रहे हैं भाई, जिस मिट्टी को हम चंदन लगाते थे, तिलक लगाते थे, भस्म धारण करते थे। अरे यही करते हैं। भस्म तो एक तरफ छोड़ देते, इसी मिट्टी में से टमाटर निकलेगा, निकलता है, इसी मिट्टी से गेहूं निकलेगा, इसी मिट्टी से काला चावल निकलेगा, सफ़ेद चावल निकलेगा, इसी मिट्टी से गोभी निकलेगा, परवल निकलेगा, गन्ना निकलेगा। मिट्टी ही तो सब कुछ देती है, मिट्टी का हमने नाश कर दिया। तो सर एक छोटा सा दो लाइन का गीत हम चाहेंगे आपसे। यही कलयुग के ऊपर ही बोलूंगा। हाँ भी चलेगा सर। के कलयुग की कला बुरा लगे भला, मानुष को छला इसने है अपने राज में, है अपने राज में। कैसा जाल बिछाया, नर लुभा फसाया, पापी धोखेबाज ने कलयुग की कला बुरा लगे भला, मानुष को छला इसने है अपने राज में, है अपने राज में। पहले अंतरा में कवि वर ने कही है हमारे गुरुजी ने कि धर्म निष प्राण किया इसने, सत्य विष जान लिया इसने, अनठ अवरेव फरेवों का मेज सम मान किया इसने, दान को दफन कराया, ज्ञान को कफन उड़ाया, दम्भ के मिजाज में पिता पुत्र संग दारू में दंग पी कर के जंग करें, गधे की आवाज में पापी धोखेबाज ने बिलासी भोग वस्तु न्यारी, बनी है भिन्न ढेर सारी, लगा पहचान मिटाने को कौन है पुरुष कौन नारी, के मारी लात दया को, लगा आघात हया को, जो रही ना समाज में ऐसे पंच बने जैसे थोते चने और बाजे घने, जो फेंक दिए छाज ने पापी धोखेबाज ने। देश की संस्कृति दुख में लगी बेवस कालिक मुख में, न्याय नर कुष्ट कलंकी है, अनिति प्रतिबिंबित है सुख में, पवन किस रुख में जाए, बचे जिस राम बचाए, अब लाज ना लिहाज में अधरम का मोड़ लगी धन की होड़, भूतों की खोड़ जैसे कोड़िया की खाज में पापी धोखेबाज ने। के गुरु शरण शरण गहिए, राम की पनहा में रहिए, बाढ़ ले चली करम नासा, न इसकी धारा में बहिए, न सहिए दुख जाल के, जो निष्ठुर कली काल के, जो ढल गे रिवाज में पढ़ पढ़ के अंध, बने मती मंद जिनको सुगंध भी आवती है प्याज में पापी धोखेबाज ने। शानदार प्रस्तुति सिंह साहब, शानदार। और दो बात बोलूंगा जो भ्रूण हत्या के बारे में। जी हाँ अभी हमारे गुरुजी दुबे जी, मार्कंडे जी, मतलब ब्रजभूषण मार्कंडे जी, अभी पूरा मतलब वो याद नहीं है क्योंकि कन्फ्यूज आपने करा। पहले आपने दुबे जी बोला। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मार्कंडे है हमारे पिताजी का नाम है, पूज्य पिताजी का, तो लोग हमको भी अब बोलने लगे हैं मार्कंडे जी बोल रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। नहीं, कि गुजरात। हाँ तो सर विषय पर आ जाए,
विषय यह है कि जो अभी थोड़ी देर पहले भ्रूण हत्या के बारे में बात चल रही थी, मेरी जो मेरे गुरु हैं गुरु शरणदास नई बस्ती जी, ये दादरी के पास में नई बस्ती पड़ती है, उन्होंने दो बात कही तो वो मुझे याद आ गई जी। तो उन्होंने कहा है जो ये डॉक्टर लोग हैं जो छोटी छोटी दुकान झोला छाप हैं ये खोल के बैठे हैं, गवर्नमेंट ने कई जगह तो प्रतिबंध लगा दिया बड़े बड़े हॉस्पिटलों पर, सरकारी हॉस्पिटलों पर अभी भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के नीचे जो भी मतलब ये प्रशासन शासन वगैरह जो भी कुछ है ये उस पर गौर करे कि छोटे छोटे जो क्लिनिक खोल रहे हैं अब भी अपराध कर रहे हैं। तो गुरुजी ने मेरे ने एक बात कही थी कि कलयुग के जो करिश्मे कहते में दर्द लाते, अंत परीक्षा करके खसवाए गर्भ जाते, नर भ्रूण भू तड़पते जब काक गिद्ध खाते, निर्लज्ज डॉक्टर भी हत्या से धन कमाते। इस युग की निजतंत्री सरकार देखिए, कलयुग की कला का चमत्कार देखिए, कठपुतली सा बनाया संसार देखिए। और एक भजन मेरा पूरा कंठस्थ नहीं है, उस भजन में कही है जी, अभी थोड़ी देर पहले बोला था मैंने, हाँ स्मरण कर लें, स्मरण कर लें, कोई बात नहीं सर, स्मरण। अब मैं आपके तरफ आदित्य जी की तरफ जाता हूँ, दो लाइन गुनगुना करके, मुझे नहीं आता, मैं अगर गुनगुनाऊंगा ना तो लोग मेरा चैनल देखना छोड़ देंगे, वीर रस वाला हूँ, वीर रस वाला हूँ, तो इसलिए तो आप दो लाइन गुनगुनाएं। आप क्या कम गुनगुनाते हैं, गुनगुनाते हैं, समाज में इतनी क्रांति है, प्लीज प्लीज। अब इन बेटियों पे मैं क्या मैं कहूँ, इन बेटियों पे मैं यही मैं कहना चाहता हूँ, उम्र यही रहा है कि बस बेटी किसी से कम नहीं है, आप कम आप उनको देखते हैं। मैं कुछ भी दो लाइन कोई श्लोक कोई कुछ भी, चलिए गा ही देता हूँ। दुर्गा सप्तशती में चौथे अध्याय में भगवती की ही प्रार्थना में कहते हैं कि देवी स्वरूपा है क्या, देवी की वास्तविकता बताते हैं उसमें। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नताश्म परिपा लय देवि विश्वम्। जो विश्व का भरण करने वाली है, विश्व का पालन करने वाली है, विश्व का पोषण करने वाली और विश्व को फिर संहार भी करती है, तीन ही स्वरूप है, महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती। महालक्ष्मी पोषण करती हैं, उसमें हम गाते हैं तुम अभी न वस्त्र न होते यज्ञ न हो पाता, बिना कहाँ कुछ होता है, कहीं कुछ नहीं होता, तो इसी से पालन पोषण होना। और संहार काली की जब स्वरूप स्वरूपता आती है तो संहार करती हैं, मतलब बुराइयों का नाश करती हैं अपने काली स्वरूप में, और भरण पोषण स्थिति संहार पालन ये तीनों क्रियाओं का भगवती ही करती है। और यदि मैं देखूं तो घर घर में ऐसी स्थिति है, बुराइयों का संहार करने वाली मात्र, यदि मैं कहूं तो, यदि बहुत ऊंची बात कह रहा हूं कि बेटियां ही बुराइयों का संहार करती हैं, और बेटियां ही हमको दे सकती हैं, और कोई नहीं दे सकता। आप बना सकते हैं क्या पाकशास्त्र, मैं तो चूँकि अभ्यास किया हूँ 9 साल तक गुरुकुल में रह के, तो मैं तो हस्तसिद्ध हूँ, लेकिन जो माँ के हाथ से जो प्राप्त होता है उसका क्या वर्णन। तो और जन्मदात्री कर्मदात्री और आधारदात्री, तीनों दात्री बेटी ही है, विश्वधात्री, विश्वधात्री जिसे कौमारी शक्ति हस्ताच, वो कौमारी ही है। आपको स्मरण हो गया जिस गीत के बारे में मैंने पहले आकर स्टार्टिंग बताया था, बता ही दिया। अच्छा, और इसको विस्तृत देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल राघव शरणम पे देख सकते हैं, जिनको भी इस पे मैं अभी कार्य अभी हमारा चल रहा है, अभी हमने चूँकि विराम दे दिया है चूँकि स्टडी हमारी कमजोर हो जा रही है, तो चैनल देख रहे हैं उनसे यही है जो चैनल पर वीडियो डालते हैं निरंतरता बनी रहनी चाहिए, अगर आप गैप करते हैं तो आप अपने चैनल के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। ठीक है, कई तो कंप्लेन आ चुके हैं उधर से, तो आप करते रहिए। और जो विषय आपका है, परमात्मा ने सिंह साहब सबको अलग अलग गुण दिया है, सबको कुछ न कुछ अतिरिक्त दिया है और सभी से कुछ न कुछ सीखने लायक है, तो आप उसको संवैधानिक रूप से आपसे तो लोग सीख ही रहे हैं,
अध्यात्म के भी पद पे लोग जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, संस्कार उसी से प्राप्त हो। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, आज के दिन इतना ही। हम अभी सिंह साहब और आदित्य जी का जो अनुरोध हुआ है उस पर हम काम करेंगे, और अगला जो हमारा अब मूवी होगी ऐसे विषयों पर होगी, कन्या भ्रूण हत्या से लेकर के पर्यावरण संरक्षण और ऐसे तमाम जो लोक कल्याणकारी पक्ष हैं उन पर हम करते रहेंगे। हमारी संपूर्ण शुभकामनाएं, आप हमारे यहाँ आए और हम इसके लिए अपने आपको कृतार्थ महसूस कर रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है। और सभी के प्रति दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, दिया जलाएं, मिट्टी के दिए जलाएं, पर्यावरण पोषित आपकी दीपावली हो, मंगल कामना। धन्यवाद।